इंडियन आइडल काम कर रही है। तो निपुण जी जिन्होंने एफर्ट किया आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद सभी का जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम आपके इस इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को लाए, उनको एक ऑडियंस जो सुनने वाली उसके सामने परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे मैम ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको आगे लाने के लिए एफर्ट्स जरूरी है। बच्चे कई बार अपने टैलेंट को आगे नहीं ला पाते, कई बार उनको मौके नहीं मिलते, कई बार उनके पास सोर्सेज नहीं होते। तो हम खुशकिस्मत है कि हमारी अकेडमी के साथ ही ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि बच्चों को मौके भी देते हैं और अपनी तरफ से आगे भी लाते हैं। ये लोग करते हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको भी पता लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में गगनदीप बुद्धि राजा जी हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। तो ये अकेडमी में जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी ये फीस पे करते, और एक हाथ से दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये चीजें जरूरी होती है। कई बार इन बातों को सुनकर किसी और की मदद शायद हो जाए किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जिनको दिया हुआ है भगवान ने वो जरूर कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा इसीलिए दिए गए हैं कि आप उसमें से किसी और की मदद कर पाओ। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है। म्यूजिक तो है, ये म्यूजिक पावर जिसको हम कहते हैं कि बायस आत्मा को जोड़ने वाला साधन है संगीत, और आत्मा से वही जुड़ता है जिसका दिल साफ है। तो म्यूजिक सभी को पावन करता है, सभी को जोड़ता है। तो ये बंदगी है जिसमें हम कहते हैं कि म्यूजिक एक मेडिटेशन की तरह है, इसका भी अपना नशा है। तो ये नशा जो आजकल नशे चलते हैं उनसे बहुत बेहतर है, तो ये नशा आप जरूर कीजिए, और जो नहीं करते उनको जरूर करवाए ताकि उनका सुधार हो। एक उनका मेडिटेशन जो लेवल है उनकी सोच, इसमें बहुत निखार आता है आपके कैरेक्टर में, आपकी प्रतिभा में, हर चीज में निखार देता है म्यूजिक। को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैम का और डॉक्टर साहब का जिन्होंने आज में ये अवसर दिया यहाँ पर करने का। और आपको भी हम आज ही इन्वाइट करते हैं, तो मैम इंडियन आइडल अकेडमी में भी आपको जरूर बुलाएंगे जल्दी, तो उसमें भी आप टाइम निकालें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया।